पंचायत चुनाव दलगत नहीं है, इसमें राजनीतिकरण की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। 24 जिला के सभी प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हम नामकुम प्रखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ पंचायती स्तर पर जुड़े हुए लोग भी, आम लोग भी हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड है तो क्या क्या चीजें जो है ग्रामीण स्तर पर या पंचायती स्तर पर क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने का जो सोच था उनका कि गांव की सरकार या पंचायती राज व्यवस्था सेंटर के पावर को डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए, यानी कि सेंटर एक जगह से अगर दिल्ली से अगर पूरा शासन किया जाता पूरे देश में, तो पूरे देश में सरकार गांव-गांव तक, जन-जन तक नहीं पहुंच पाती। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, यानी कि गांव की सरकार, यानी कि गांव में क्या होगा, गांव में कहां सड़कें बनेंगी, गांव में कहां स्कूल बनेगा, गांव में कहां पंचायत भवन बनेगा, गांव में क्या चीज की जरूरत है, इसकी जिम्मेदारी, इसका निर्णय गांव के लोग पंचायत में बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करेंगे। इसी विचार को साकार करने के लिए, धरातल में उतारने के लिए पंचायती व्यवस्था की कल्पना की गई थी। लेकिन आज बड़े ही शर्म की बात है, कह सकते हैं कि जिस हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ पर अपने 2 साल के कार्यकाल में विकास की एक भी, अगर 24 महीने की बात करें तो 24 महीने में 24 कदम भी विकास की आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हेमंत सोरेन जी को पता है कि अगर हम अपने विचारों को, अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपने दल के चुनाव चिन्ह को लेकर के अगर मैं पंचायत में लोगों के साथ वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो मुझे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, मुझे हरा दिया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार को, कांग्रेस की सरकार को और राजद के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है। बड़ी विडंबना है कि जहां कांग्रेस बिहार में मांग करती है कि पंचायत चुनाव दलगत हो, लेकिन वहीं यहाँ पर विरोध कर रही है। ठीक भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही हैं? गांव का विकास प्रभावित हो रही है, गांव का विकास प्रभावित हो रहा है। पंचायत चुनाव होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक, तो कई सारे ग्रामीण का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव होना चाहिए। आप बताइएगा भैया कि पंचायत चुनाव अगर नहीं होते हैं तो क्या चीजें प्रभावित हो रही हैं? पंचायत चुनाव नहीं होने से जिस तरह से पंचायती चुनाव व्यवस्था में विकास का काम होता था वो अभी रुक सा गया है, जो कि 1 साल होने जा रहा है, अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। और ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि समय अनुसार चुनाव नहीं हो रही है। अच्छा, पहले कोविड का ये होता था कि कोरोना का समय है इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो कोविड समाप्त हो गया है। कोविड समाप्त हो चुकी है और हेमंत सरकार को यथाशीघ्र चुनाव पे आना चाहिए, लेकिन जैसे अन्य वक्ताओं ने बताया कि पार्टी स्तरीय अगर चुनाव पे उतरती है तो पिछले 2 सालों का कार्यकाल को देखते हुए आम जनता उनको ठुकरा देगी, जिसके डर भय से वो चुनाव नहीं करा रही है। हम सभी ग्रामीण चाहेंगे कि यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। तो आप जो सभी राजनीतिक पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का अलग रुख है, अलग कहना है कि अगर जो सरकार है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, गठबंधन की सरकार है, तो पंचायत चुनाव इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और इसलिए पंचायत चुनाव कराएंगे तो सरकार पर बहुत सारे जो है उन पर प्रश्न और भी उठेंगे, तो इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। लेकिन अब जहां तक बात रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहना है कि जल्द से जल्द 1-2 महीने में चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव कब होता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।